आज 3000 किलोमीटर में, 3000 किलोमीटर में हर स्टेट में मुझे युवा मिलते हैं। मैं पूछता हूं क्या पढ़े, कहते हैं इंजीनियरिंग की, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई की, आईएएस के लिए तैयारी की। और फिर मैं पूछता हूं भैया आप करते क्या हो, कहते हैं राहुल जी, शर्मा के कहते हैं राहुल जी हम तो मजदूरी करते हैं। कोई कहते हैं मजदूरी करते हैं, कोई कहते हैं भैया हम पकौड़े पका रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, आलू के पकौड़े बना रहे हैं। अच्छा एक रास्ता था युवाओं के लिए अग्निवीर वाला, उसमें क्या था, सुबह युवा उठते थे 4 बजे उठते थे, दौड़ते थे, यूपी में आपको हर सड़क पे दिखेंगे, देश की रक्षा करने के लिए दौड़ते थे, और सपना था एक दिन बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा करेंगे, तिरंगे की रक्षा करेंगे, सपना था। युवा 15 साल सेना में सेवा कर सकता था, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं भाई, ये 15 साल वाली बात छोड़ो, पेंशन वाली बात छोड़ो, ऐसे करते हैं 6 महीने ट्रेनिंग करो, बंदूक पकड़ो, 4 साल रहो, फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। नया हिंदुस्तान। और जब युवाओं ने कहा कि हमें यह अच्छा नहीं लगा, और जब युवा सड़क पे उतरे, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी फोटो ले ली गई सड़क पे तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। उसको भी एक के बाद एक बेच रहे हैं, उन्हीं 3-4 लोगों को बेच रहे हैं। एयरपोर्ट भी उनको दिए जा रहे हैं, पोर्ट भी उनको दिए जा रहे हैं, रेलवे भी उनको दी जाएगी, LIC भी उन्हें के हाथ जाएगी, BHL, BHEL, HL सब उनके हाथ जाएगा, और हिंदुस्तान के युवा बेरोजगार होंगे। ये है नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान, इसके हम खिलाफ हैं, और इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। और हम इसलिए नहीं थके हैं क्योंकि आपने अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा प्यार इस यात्रा को दिया है, और लाखों लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग। तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतना प्यार और इतनी शक्ति आपने हमें दी, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं, पूरी जिंदगी याद रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।